Welcome, my brilliant students. Today we are going to learn chapter number 9, the living organisms, characteristics and habits. Class 6, subject science, chapter number 9, questions and answers in English and in Hindi. Jeevit jeev, lakshan aur aadate, kaksha 6, vishay vigyan, adhyay 9, sawal aur jawab. Shri इजी एंड प्रॉस्परस स्टडी के लिए श्री सार्थ सिद्ध प्रॉस्पर्टी यूनिवर्सिटी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूले और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूले। इससे आपको सबसे पहले नॉलेजेबल वीडियो प्राप्त होंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक आपके लिए उपयोगी है, उन्हें अवश्य देखें। उनका उपयोग करोड़ों बच्चे कर रहे, आप भी अवश्य उनका उपयोग करें। श्री सार्थ सिद्ध प्रॉस्पर्टी यूनिवर्सिटी। रिमेंबर, यू आर बेस्ट स्कॉलर, टॉपर, विनर, सक्सेसफुल स्टूडेंट एंड ह्यूमन बींग, and I believe in you. Question 1. What is a habitat? Answer. The surroundings where animals live is called their habitat. The organisms live in their habitat for their food, water, air, shelter, and other needs. Habitat is a dwelling place. Ek nivas kya hai? Uttar. Jis parivesh mein janwar rehte hai, use unka awas kaha jata hai. जीव अपने आवास में अपने भोजन, पानी, वायु, आश्रय और अन्य जरूरतों के लिए रहते हैं। आवास निवास स्थान है। क्वेश्चन 2. हाउ आर कैक्टस एडेप्टेड टू सर्वाइव इन अ डेजर्ट? आंसर. कैक्टस आर एडेप्टेड टू सर्वाइव इन अ डेजर्ट एज दे हैव 1. नो लीव्स और स्पाइनी लीव्स टू प्रिवेंट वाटर लॉस थ्रू ट्रांसपिरेशन. 2. Stem is modified in such a way that it performs photosynthesis and conserves water. 3. Their roots go very deep into the soil for absorbing water. रेगिस्तान में जीवित रहने के लिए कैक्टस को कैसे अनुकूलित किया जाता है? उत्तर. कैक्टस को रेगिस्तान में जीवित रहने के लिए अनुकूलित किया जाता है जैसा कि उनके पास है 1. वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से पानी की हानि को रोकने के लिए कोई पत्ते या कांटेदार पत्ते नहीं। 2. तने को इस प्रकार संशोधित किया जाता है कि यह प्रकाश संश्लेषण करता है और जल का संरक्षण करता है। 3. पानी सोखने के लिए इनकी जड़ें मिट्टी में बहुत गहराई तक जाती है। क्वेश्चन 3. फिल अप द ब्लैंक्स। ए. द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स विच एनेबल्स अ प्लांट or an animal to live in a particular habitat is called adaptation. रिक्त स्थान भरे। विशिष्ट विशेषताओं की उपस्थिति जो किसी पौधे या जानवर को किसी विशेष आवास में रहने के लिए सक्षम बनाती है, अनुकूलन कहलाती है। B. The habitats of the plants and animals that live on land are terrestrial habitats. भूमि पर रहने वाले पौधों और जानवरों के आवास स्थलीय आवास है। The habitats of plants and animals that live in water are called aquatic habitat. जल में रहने वाले पौधों और जंतुओं के आवास जलीय आवास कहलाते हैं। Soil, water and air are the abiotic factors of a habitat. मिट्टी, पानी और हवा एक आवास के अजैविक कारक है। Changes in our surroundings that make us respond to them are called stimuli. हमारे परिवेश में परिवर्तन जो हमें उनके प्रति प्रतिक्रिया देते हैं, उन्हें उत्तेजक कहा जाता है। Which of the things in the following list are non-living? Plow, mushrooms, sewing machine, radio, boat, water, hyacinth, earthworm. Answer. Plow, sewing machine, radio, बोट आर नॉन लिविंग। निम्नलिखित सूची में से कौन सी चीजें निर्जीव है? हल, मशरूम, सिलाई मशीन, रेडियो, नाव, जलकुंभी, केंचुआ। उत्तर, हल, सिलाई मशीन, रेडियो, नाव निर्जीव है। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ नॉन लिविंग थिंग विच शोज एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लिविंग थिंग। आंसर। एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग इज क्लाउड which shows following two characteristics of living things. It grows in size. It shows movement.
एक निर्जीव वस्तु का उदाहरण दीजिए जो सजीव वस्तु के किन्हीं दो लक्षणों को प्रदर्शित करता है। उत्तर, निर्जीव वस्तु का उदाहरण बादल है जो सजीवों की निम्नलिखित दो विशेषताओं को दर्शाता है, यह आकार में बढ़ता है, यह गति दिखाता है। विच ऑफ द नॉन लिविंग थिंग्स लिस्टेड बिलो वेयर वंस पार्ट ऑफ लिविंग थिंग, बटर, लेदर, सॉइल, वूल, इलेक्ट्रिक बल्ब, कुकिंग ऑयल, सॉल्ट, एप्पल, रबर। आंसर, बटर, लेदर, वूल, कुकिंग ऑयल, एप्पल एंड रबर आर द नॉन लिविंग थिंग्स विच वेयर वंस पार्ट ऑफ अ लिविंग थिंग। नीचे दी गई सूची में से कौन सी निर्जीव वस्तुएं कभी सजीव वस्तु का हिस्सा थी? मक्खन, चमड़ा, मिट्टी, ऊन, बिजली का बल्ब, खाना पकाने का तेल, नमक, सेब, रबड़। उत्तर, मक्खन, चमड़ा, ऊन, खाना पकाने का तेल, सेब और रबड़ निर्जीव चीजें हैं जो कभी जीवित चीजों का हिस्सा थी। लिस्ट द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। आंसर, सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स आर ग्रोथ, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, रिस्पॉन्सिवनेस, एक्सक्रीशन। जीवित चीजों की सामान्य विशेषताओं की सूची बनाएं। उत्तर, जीवित चीजों की कुछ सामान्य विशेषताएं हैं विकास, आंदोलन, प्रजनन, श्वसन, जवाबदेही या संवेदना, उत्सर्जन। एक्सप्लेन व्हाई स्पीड इज इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल इन द ग्रासलैंड्स फॉर एनिमल्स दैट लिव देयर। हिंट, देयर आर फ्यू ट्रीज और प्लेसेस फॉर एनिमल्स टू हाइड इन ग्रासलैंड हैबिटेट्स। आंसर, इन ग्रासलैंड हैबिटेट्स देयर आर फ्यू ट्रीज और प्लेसेस फॉर एनिमल्स टू हाइड। व्हेन देयर एनिमी अटैक्स दे हैव टू रन फास्टर सो एज टू रीच अ सेफ प्लेस। इफ दे फेल दे लूज देयर लाइफ। सो स्पीड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ ग्रासलैंड एनिमल्स। बताएं कि घास के मैदानों में रहने वाले जानवरों के लिए जीवित रहने के लिए गति क्यों महत्वपूर्ण है। संकेत, घास के मैदानों में जानवरों के छिपने के लिए बहुत कम पेड़ या स्थान है। उत्तर, घास के मैदानों में जानवरों के छिपने के लिए बहुत कम पेड़ या स्थान होते हैं। जब उनके दुश्मन हमला करते हैं तो उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचने के लिए तेजी से दौड़ना पड़ता है। असफल होने पर उनकी जान चली जाती है। अतः चरागाह वाले जानवरों के जीवित रहने के लिए गति बहुत महत्वपूर्ण है। इजी एंड प्रॉस्पर स्टडी के लिए श्री सार्थ सिद्ध प्रॉस्पेरिटी यूनिवर्सिटी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूले और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूले। इससे आपको सबसे पहले नॉलेजेबल वीडियो प्राप्त होंगे। थैंक यू एंड थैंक्स टू गॉड।